हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी दिस इज रेड एक्सपियर एंड आप सबका वेलकम है मेरे पीसी 7 में और ये सारे विनर हैं पीसी 7 के और जो भी टॉप 3 बंदे हैं जो भी मुझे बहुत पसंद आए हैं तो उनको मैं स्टोरी में मेंशन करूंगा अपने इंस्टाग्राम के सारवेंद्र पे आप जाके चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं एंड थर्टी थाउजेंड फॉलोअर्स के लिए थैंक यू आप सबका मेरे को यार इतनी खुशी है उस चीज़ के लिए और सब्सक्राइबर भी ट्वेंटी होने वाले हैं सो तो यार ये बहुत बड़ी फैमिली बनने वाली है अब और मेरे को लगता है यार आप बहुत सपोर्ट करते हो मुझे हर चीज़ के लिए इसलिए मैं आपके लिए हर बार ये फ़ोटो एडिटिंग कॉम्पिटिशन करता हूँ उन पी सी एट भी बहुत जल्दी आने वाला है सो so प्लीज़ उसके लिए स्टेट्यून रहें और जैसे ही मेरे फोर्टी थाउजेंड हो जाएंगे फॉलोवर्स वो भी ड्रॉप इन कर दूंगा मैं जल्दी से फोटो एडिटिंग कंपटीशन या थर्टी फाइव के पे अगर आप कहोगे तो उस टाइम तक भी मैं कर दूंगा सो so यहाँ सबसे पहले ये सारी फ़ोटोज़ हैं और ये ऑर्डर वाइज नहीं है लाइक like मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं और ये बहुत अच्छी एडिट लगी और टॉप थ्री जो भी होंगी मैं उन्हें इंस्टाग्राम पर फीचर कर दूँगा अपने आप वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन है टॉप विनर सो so स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इट्स एस ऑफिशियल हैं भाई भाई का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे जो भाई ने आई में कर रखा है ये क्लियर बिल्कुल और हेट में जो लिखा हुआ है फेस पे वो यार मुझे बहुत ही पसंद आया और जैसे आपने रेमलाइट क्रिएट कर रखी है यार बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लाइक डोप आर्ट वर्क बोलूँगा मैं इसे डोप आर्ट वर्क है और अगर आपको इसे और नेक्स्ट लेवल लेके जाना हो तो जो आपने टेक्स्ट हेड पे रिखा है क्रिमिनल इसको थोड़ा रियलिस्टिक वे में लाइक like, आप लिख सकते हैं टेक्स्ट में लाइक कैलीग्राफी फॉन्ट्स के अंदर तो वो और अच्छे से पॉप करेगा और उस पर गोजन ब्लर अप्लाई करके आप डार्क एंड फिल्टर अप्लाई करेंगे तो ये और अच्छा दिखेगा और बहुत अच्छा पॉप होएगा सो so, बहुत अच्छी फोटो थी आपकी एंड नेक्स्ट है आदि इन वाटे सो भाई ने मुझे यहाँ दो फोटो भेजी हैं और दो फोटो में इन्होंने कर रखा है सबसे पहले ये क्रिएट कर रखा है अपने पेन से ड्राइंग कर रखी है जो भी पेन pen, पेंसिल के थ्रू और ये बहुत ही अच्छा ड्रॉ कर रहा है उसके बाद इसे रियलिज्म दिया है ब्रो नेक्स्ट लेवल ये मुझे बहुत पसंद आया जब आपने ये एंट्री भेजी मुझे खुद पसंद आई क्योंकि लाइक रियलिस्टिफाई जैसे जब बैनी प्रोडक्शन करता है तो आपने भी उस तरीके का कर ट्राई करा है और यार ये लोगों के बीच में आना चाहिए इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट करा है सो थैंक यू गाय आपने थैंक यू भाई आपने भेजा है इसमें और जो भी लोग देख रहे होंगे उनको भी बहुत समझ में आएगा और इस बार 35 विनर है मेरे हिसाब से इसमें पी सी आई में मैंने 25 लिखे थे सो कोई बात नहीं कि लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो यार विनर्स ज़्यादा दिखाने में मुझे अच्छा लगता है और ये विनर्स नहीं है इनका काम बहुत अच्छा है जितने भी थर्टी के थर्टी लोग हैं सो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं एज आ आर्ट वर्क भी आप इनको ले सकते हैं कि हाँ इनसे इंस्परेशन लेनी चाहिए हमें सो so, भार्गव खापे कर भाई का कंसेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा लाइक जैसे आपने ये यूज़ कर रखी है पट्टी वट्टी लगा रखी है अपने मुंह पे लाइक तो इसमें आपने वर्क ज़्यादा कर रखा है मेनली आपने मतलब प्रॉप्स ज़्यादा यूज़ करें आजकल कर प्रॉप्स कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। अगर ये आपने कहीं से डाउनलोड करके भी सेंड करा है तो फिर ब्रो आप ब्लॉक हो जाओगे सो मेरे को लग नहीं रहा कि आप ऐसी गलती करोगे लेकिन कमेंट करके बता देना अगर किसी को भी कोई भी एंट्री पता चलती है तो वो नेक्स्ट टाइम से ब्लॉक रहेगा सो so, ये मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी एंट्री और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं चिंटू एडिट्स भाई आपने यहाँ कंसेप्ट बहुत अच्छा क्रिएट कर रखा है लाइक like, तीन लड़कों के मैथमेटिक्स और फिर ऊपर जो भी दिखा रखी है आपने फ़ोटो से पोर्ट्रे कर रखा है कि ये तीन बंदे हैं सो so, यार वो मुझे थोड़ा एपिक लगा और मेरे को लगा कि यार ऐसा कुछ कंसेप्ट होगा आपका लाइक और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा आपको जो थोड़ा वर्क करना है वो है यहाँ नीचे शेडोज़ में जैसे आप पैर की शेडोज़ देखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल गायब है तो वो शेडोज़ पे आप वर्क करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और कंट्रास्ट पे जरूर ध्यान दें जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड की कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है और आपके हेयर्स में बहुत ज़्यादा कम कॉन्ट्रास्ट है चाहे किसी की भी बॉडी पर देखें तो कॉन्ट्रास्ट हर फोटो की आप इक्वली मैनेज करें तब जाके फोटो एक रियलिस्टिक दिखती है नेक्स्ट डिजाइनर अनिश भाई का बहुत प्यारा और सॉफ्ट और मुझे बहुत ही लविंग कंसेप्ट लगा और जैसे आपने ब्लेंडिंग कर रखी है यार परफेक्टली तो नेक्स्ट लेवल है और यार ये मुझे छोटा सा अपना टैटू दिख रहा है शायद जो जो वाला और पेशेंस वाला सो so, कोई बात नहीं है मैंने शेयर कर रखा है या आप भी यूज़ कर सकते हो और जो आपने हेयर की कटिंग करी है वो थोड़ी मुझे खटक रही है क्योंकि हेयर की कटिंग प्रॉपर नहीं है आप मेरा एक ट्यूटोरियल वॉच कर सकते हैं वो मैंने हेयर कटिंग पर ही पूरा बेस्ड बनाया तो आप वो ज़रूर देखना आपको ये हेयर कटिंग क्या आपको बहुत अच्छी अच्छी हेयर कटिंग बहुत ही ईजिली आ जाएगी सो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है और आपने बिफोर भी बहुत प्यारा कर रखा है इसका सो so, एक पिक में दोनों भेजना बहुत परफेक्ट कॉम्बो लगा मुझे सो थैंक यू भाई आपने पार्ट लिया नेक्स्ट है देवराज टेन भाई का कंसेप्ट मुझे बहुत प्यारा लगा आपने जैसे क्रिएट कर रखा है ये लाइक डेविल विंग्स तो भाई नेक्स्ट लेवल सो so, यहाँ पे आपने रिमलाइट बहुत ही प्यारी क्रिएट कर रखी है विंग्स के पास और मुझे बहुत अच्छी लगी और जैसे डेविल के थ्रोम्स आपने भी अपने सर पे लगा रखे हैं बहुत प्यारा कंसेप्ट लगा मुझे आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखी है और विंग्स भी बहुत अच्छे लगाए हैं सो so, ओवरऑल मुझे बहुत डोप पिक्चर लगी आपकी सो so, कॉन्ग्रेचुलेसन आपके सिलेक्शन के लिए नेक्स्ट फोटो की तरफ बढ़ते हैं दीदार क्रिएशन ब्रो आपने बहुत प्यारा और लाइक like मैसेज वाला कंसेप्ट दिया है यहाँ पे जो मुझे बहुत ही पसंद आया है और जैसे आपने पीछे पोर्ट्री कर रखा है लाइक uh, लैंडस्केप like वो भी बहुत प्यारा लगा मुझे और आपने जैसे फायर का यूज़ कर रखा है इमोशंस क्रिएट करने के लिए और वेदर सो so यार बहुत ही ड्रामेटिक और वो टोन क्रिएशन है जो मुझे बहुत पसंद आती है हमेशा सो हैड्स ऑफ भाई आपने बहुत प्यारा कन्सेप्ट बनाया है नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिट बॉय के पास प्रो आपने जो डेथ का कंसेप्ट बना रखा है इसमें आपने अपनी आत्मा बोलते हैं उसे तो उसे दिखा रखा है और यहाँ पे जो मुझे थोड़ी सी बस कमी लगी वो है कि आपने यहाँ रिफ्लेक्शंस नहीं क्रिएट करी अपने हेड पे लाइक उसकी जो सर्कल होता है तो उसकी जरूर क्रिएट करना थोड़े से स्ट्रोक्स और रिम लाइट क्रिएट कर दोगे तो उससे बहुत रियलिज्म आएगा सो so, ओवरऑल आपका बहुत टॉप कंसेप्ट लगा मुझे और थैंक यू आपने कहीं पार्ट लिया आप ब्रो नेक्स्ट है एक एडिटर और इन्होंने नाइट मेयर का कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है बहुत ही प्यारा कंसेप्ट लगा मुझे ब्रो आपने बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर रखा है इस कंसेप्ट को आपके पैर की ब्लेंडिंग भी बहुत ही प्यारी है और यहाँ पे जो एरो निकल रहा है आपने उसमें मोशन ब्लर का भी बहुत अच्छा यूज़ कर रखा है और मुझे बहुत डोप लगा आपका कंसेप्ट सो ऑफ भाई आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है इस प्रोजेक्ट के अंदर और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है इतनी अभी तक लेकिन जो फायर थी थोड़ी और इंटेंस कर देते तो थोड़ी और लाइफ आ जाती इस एडिटिंग में सो so बहुत अच्छी है ये वाली एडिट मुझे बहुत प्यारी लगी नेक्स्ट uh, करते हैं फाहमान के ब्रो आपकी ब्लेंडिंग बहुत ही ऑसम होती है और लाइक like, आपने बहुत सारी मेजर मेजर बहुत सारी एडिट भेज रखी थी तो मुझे इनमें से ये पसंद आई है आपकी और आपकी बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की सिलेक्शन बहुत ही अच्छी है लाइक like, uh, मैचिंग मैचिंग यूज करते हो लेकिन आप फेस पे रीटचिंग यूज नहीं करते हो सो so, ब्रो फेस पे रीटचिंग जरूर करो रीटचिंग एक मेन पार्ट होता है जो आप मिस कर रहे हो अपनी इमेज को स्टैंड आउट करने में सो so, होप आप इस पर वर्क करेंगे और आपकी फोटो बहुत ही औसम awesome लगी मुझे जी सिंह नाइनटीन भाई ने बहुत प्यारा मैसेज दे रखा यहां like, uh, है यहाँ पे लाइक ब्लैक एंड वाइट और हेवन एंड हेल वाला कंसेप्ट है यहाँ पे जो मैंने इस फोटोज़ के अंदर देखा और जो आपने अपनी बियर्ड के अंदर कटिंग कर रखी है इतने अच्छे से यार हेड्स ऑफ है क्योंकि वो कटिंग लोग स्ट्रगल करते हैं और उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं लेकिन यहाँ आपने बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन कर रखी है लेकिन आपने थोड़ा बैकग्राउंड अलग चुन रखा है आप अगर बैकग्राउंड कुछ हेवन हेल टाइप का लेंगे तो उससे बहुत हेल्प होगी कि आपकी इमेज को और अच्छा एक वे मिले जिससे समझ में आएगी कि आप क्या बताना चाह रहे हैं सो so नेक्स्ट आते हैं ही hey पीपल का कंसेप्ट है और बहुत ही प्यारा वर्क लगा मुझे आपका जो आपके थिंकिंग एंड थॉट्स हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हैं जैसे आपने अपने आप को टाई कर रखा है रोप से तो ये वाला भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बलून्स हैं यहाँ और जो आपको लिफ्टअप कर रहे हैं सो so यार कन्सेपचुअल वर्क आपका बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगा मुझे इस टाइम पर सो देखते हैं आप टॉप थ्री में आते हैं या नहीं सो so, मुझे अभी किसी का नहीं पता है, मैं एट दी एंड में डिसाइड करूंगा कि कौन होएगा जब ये वीडियो फाइनल हो जाएगी सो so, फिर नेक्स्ट आते हैं एच के एडिट वर्ल्ड भाई ने बहुत ही प्यारा टू साइड कन्सेप्ट क्रिएट कर रखा है और ग्लोइंग बहुत प्यारी लगी मुझे यहाँ पे जस्ट कैट के ऊपर थोड़ी रिम लाइट पे और फर पे आप वर्क करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा लेकिन ये बहुत ही ब्लॉसम कन्सेप्ट है भाई और यहाँ पे ज़्यादा टू हार्श ना हुए कभी भी लाइट के साथ थोड़ा सा फैदर कर दीजिए उसे ठीक है तो ये मुझे बहुत ही ऑसम लगा आपका कंसेप्ट नेक्स्ट आते हैं जोकर के एस जी नाइन सेवन ए डी एट द रेट जी मेल मुझे इनका नाम नहीं पता था जोकर नाम से था इनका सो so, आपका मुझे ये वाला ब्लेंडिंग का कंसेप्ट बहुत ही प्यारा लगा आपने लाइट जैसे ड्रॉ कर रखी है अपने फेस और बॉडी के राउंड पर बहुत ही प्यारी ड्रॉ कर रखी है आपने मुझे बहुत ही अच्छी लगी और लाइक आपने जो ट्रेन का यूज़ कर रखा वो भी परफेक्ट है और जो डस्ट एंड स्पैकल्स उठ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लगे मुझे तो so नेक्स्ट बढ़ते हैं जे आर एडिट्स भाई आपने इस बार कंसेप्ट बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रखा है लेकिन इस बार थोड़ी सी मुझे जो प्रॉब्लम लगी है वो है रिम लाइट की आप रिम लाइट हर जगह फोकस करते हो लेकिन हैंड पे इस बार फोकस रह गया था रिम लाइट का क्योंकि जहाँ पे इंटेंस लाइट रहती है वहाँ पे रिम लाइट बहुत ज़्यादा रहती है और जब आपके पास ही है लाइट तो उसकी पैरों के पास रिफ्लेक्शन और अच्छे से आएगी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इम्प्रूव कर सकते हो इस चीज़ को और होप्सो जो नेक्स्ट फोटो आप दोगे मुझे उसमें आपने बहुत अच्छे से वर्क करा होगा नेक्स्ट आते हैं मनकीरत सिंह ब्रो ने जी टी ए का कंसेप्ट यूज कर रखा है और मुझे बहुत ही प्यारा लगा जो आपने एनिमेटेड टाइप में अपने आप को क्रिएट कर रखा है बहुत सारे करते हैं और आर्ट ऐसी क्रिएट करते हैं और मुझे पसंद भी आती है ऐसी आर्ट लेकिन जी टी ए स्टाइल में आपने जो क्रिएट कर रखा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरे पर्सनल बायडोप लगा लेकिन थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है बैकग्राउंड मतलब जो पीछे के लोग खड़े हैं और आप में थोड़ा सा और ध्यान दें ब्राइटनेस और कलर ग्रेडिंग पे लाइक like, उसके हैंड के शेडोज आप देख सकते हैं लेकिन आपके हैंड पे थोड़े शेडोज़ नहीं हैं तो यार कोई बात नहीं है अभी मुझे पता है सब ग्रोइंग स्टेज में होती है सपोर्ट की जरूरत होती है तो प्लीज़ ज़रूर अच्छे से क्रिएट करें और आगे ज़रूर पार्टिसिपेट करें नेक्स्ट आते हैं मिस्टर एडिक्स ब्रो आपने बहुत ही प्यारा कंसेप्ट यहाँ मुझे दिलाया दिखाया था और मैंने जब देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला कंसेप्ट लाइक आपने मूर्ति का कंसेप्ट दे रखा गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे और एक ऊपर ही टेम्पल है इनके जो स्वीट और आपने बहुत अच्छी डिटेलिंग दे रखी है वहाँ पे अगर मैं जूम करके आप सबको दिखाऊँ तो यहाँ पे ट्री और ये फ्लैग और ये बर्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और व्यू बहुत ही प्यारा है सो एक कंसेपच्चुअल आर्ट वर्क है जो देखने को नहीं मिलता मुझे अपने कंपटीशन में लेकिन इस बार थोड़ा कंसेप्चुअल देखने को मिला है सो थैंक यू गाय थैंक यू भाई आपने ये वाला कंसेप्ट भेजा और बहुत ही अच्छा है नेक्स्ट आते हैं एम एडिट्स ब्रो आपने बहुत ही अच्छे से वर्क कर रखा है रिमलाइट के ऊपर अपने हेयर्स के ऊपर और कंसेप्ट भी आपका बहुत ही अच्छा लगा मुझे लाइक थोड़ा रीटचिंग में अभी आपको नीड है वर्क करने की सो so रीटचिंग पे ध्यान दें आप नेक्स्ट आते हैं निखिल नेहता एडिट्स सो so, भाई आपने बहुत ही प्यारा बैकग्राउंड का यूज़ कर रखा है मुझे बहुत ही लाइक कहेंगे साईफाई टाइप लगी है मुझे थोड़ा जहाँ लगा हुआ है वो है फेस के ऊपर फेस के कलर पे और यहाँ पे क्योंकि पीछे का ओवर ब्राइट है आप थोड़े अंडर ब्राइट हो जो मुझे प्रॉब्लम लगी है थोड़ी सी लेकिन आपका वर्क बहुत ही अच्छा लगा मुझे नेक्स्ट ओम भोरके भाई आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी क्रिएट कर रखी है लाइक सेंड्स कलर जिसे मैं बोलता हूँ वो वाला है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रखी है जो आपने यहाँ पे ये लाइट्स यूज कर रखी हैं लाइक इसे लेंस फ्लेयर बोलते हैं तो ये थोड़ा और अच्छे से यूज़ करें लाइक उसी शेड का यूज़ करें जो आपने टोन अप्लाई कर रखी है लाइक येलो है या पिंक है तो उस टाइप के यूज़ करें वो आपको और अच्छा लुक देंगे और हेज़ी लुक ट्राई करें लाइक फ्लैट ना छोड़ दें उसे पिक्सल स्नैप भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था ये वाला मुझे डोप लगा ग्लोइंग का और अलग ही लेवल है कोई मतलब इस टाइप एंट्री नहीं है कोई भी कंपटीशन में और आउट ऑफ माइंड है यार और यहाँ पे जो आपने रिम लाइट नहीं क्रिएट करी है वो मुझे मिसिंग लगी है थोड़ी सी लाइक पीछे से येलो आ रही और आपकी जैकेट पे व्हाइट लाइट एंड सो ये थोड़ा कंसेप्ट वाइज थोड़ा अलग हो गया है तो प्लीज़ ज़रूर उस पर वर्क करें और मुझे पता है आप अच्छे से वर्क करोगे उस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट है राजेश एडिट प्रो बहुत अच्छे वेक्टर आर्ट क्रिएट कर सकते हैं आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं वेक्टर आर्ट के लिए और मैं भी फॉलो करता हूं भाई को और यहां पे इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड वाइज अगर आप बियर्ड और हेयर्स में लुक करेंगे तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आपने क्रिएट कर रखा है कंसेप्ट नहीं कहेंगे इसे आर्ट वर्क कहेंगे और आप बहुत डिटेल में वर्क करते हो भाई हेड्स ऑफ एयर और वैक्टर एडिट के लिए भी अब पार्ट रहेगा जो टॉप थ्री रहेंगे उनमें एक वैक्टर बिनर ज़रूर रहेगा सो so, वेक्टर के लिए भी आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर को अंडर रेट माना जाता है आजकल तो यार वेक्टर को हमेशा ऊपर आना चाहिए वेक्टर में भी बहुत मेहनत लगती है लोगों की नेक्स्ट है आरसी फोटोग्राफी एडिट्स ब्रो ने बहुत अच्छी ब्लेंड क्रिएट कर रखी है मेरे को बहुत प्यारा लगा आपका कंसेप्ट जो आपने क्रिएट कर रखा है और रियलिज्म इसमें अचीव करा है आपने और रियलिज्म दिख रहा है मुझे बहुत अच्छे से सो कीप क्रिएटिंग और बहुत अच्छे कंसेप्ट आप क्रिएट कर लोगे नेक्स्ट uh, आते हैं हम uh, रेशभ प्रधान सिक्स फोर फोर एट आपने ब्लैक का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रखा है लेकिन जो पर्सपेक्टिव वाइज अगर मैं देखूँ कार कभी आदमी से इतनी छोटी नहीं होती है सो so पर्सपेक्टिव पे जरूर वर्क करें आपने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड क्रिएट कराया नो डाउट कहीं प्रॉब्लम नहीं है इस कंसेप्ट में बस थोड़ा लाइक like, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बड़ी है और कभी भी बोनट इतने नीचे नहीं आता है कार का सो so एक नॉर्मल साइज़ अगर देखो तो मैं वो बिल्कुल आपके बॉडी के यहाँ तक आएगी वो कार तो इतना जरूर मेंटेन करें जिससे रियलिज्म अचीव हो जाए तो प्लीज जब वर्क करें तो आप हमेशा आप नहीं सब जब देखें तो हमेशा आ, चेक करें कि ऑब्जेक्ट छोटे बड़े या है नहीं इतने परफेक्ट रहने चाहिए हमेशा रोहित सिंह ब्रो ने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है यहां मुझे लाइटनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है थ्रू आउट आपने कटिंग थोड़ी मुश्किल से कर रखी है अगर मैं सही नहीं हूँ तो आपने पिक्सार्ट में कर रखा है ये एडिट तो पिक्सार्ट में इतना एडिट ले जाना बहुत ही अच्छी बात है आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और यहाँ शेडो पे भी आपने बहुत अच्छा ध्यान दे रखा है और मुझे बहुत ही पसंद आया आपका थ्रू आउट कंसेप्ट सो पिक्सार्ट में भी आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रखा है सो so नेक्स्ट है आर एस एडिटर ज़ीरो ब्रो आपने बहुत ही प्यारा पबजी का कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है जो पेन है वो बहुत ही अच्छे पॉप होके आ रहा है और लाइक जो आपने लेवल थ्री का बैग अपने से अटैच करके बनाया है वो बहुत ही औसम awesome लग रहा है सो so, ऑफ है भाई आपने बहुत ही प्यारा कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है नेक्स्ट आते हैं सादिकादिक मियाँ सिक्स थ्री एट सो so, ब्रो आपने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड क्रिएट कर रखा है लेकिन बस मुझे हा हेयर्स में थोड़ी प्रॉब्लम लगी है हेयर्स इतने फ्रिज़ी हैं भाई के जिसकी भी आपने अगर आपकी एडिट है तो यहाँ पे हेयर्स और फ्रीजी होने चाहिए थे और यहाँ पे सो so, हेयर्स पे आप ज़रूर वर्क करें और हेयर टूर, टूटो टूटोरियल मेरा ज़रूर वॉच करें उससे आपको हेल्प मिल जाएगी ना नेक्स्ट है सैफुर रतुल नेक्स्ट भाई ने पिक्स में बहुत ही ऑसम awesome क्रिएटिविटी कर रखी है और इसमें आपने बहुत मल्टीपल अपने आप को कट आउट करके और हर जगह प्लेस कर रखा है सो so, थोड़ा टफ होता है पिक्स में क्रिएट करना ये सब सो so, हार्डवर्क हमेशा सही रहता है और बहुत ही अच्छा लगा बस ये ओवर ब्राइट है थोड़ी सी इमेज इसे अंडर ब्राइट करने की और एक कंसेप्ट क्रिएट करें इसमें और थोड़ा सा लाइक ऐसे ही लोगों को ना छोड़ दें सारे किसी किसी चीज को कि, कुछ कुछ चीजें दीजिए जिससे इंटरेक्टिव लगे आपका कंसेप्ट नेक्स्ट है सिद्धार्थ विज आ, भाई का बहुत प्यारा कंसेप्ट लगा मुझे जो रिम लाइट आपने क्रिएट कर रखे हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और डॉग के अराउंड पे भी रिम लाइट आपने बहुत हद तक बहुत ही अच्छी बनाई है और जो बोटल की रिफ्लेक्शन है वो भी मुझे बहुत प्यारी लगी है और जो आपने इतना सारा दिखा रखा है यहाँ पे लाइक ये रिपोर्टर है अक्षय कुमार हो गए और ये स्ट्रेंजर सिंह पोकी मिर्जापुर तो ये सब यार बहुत ही एपिक चीज़ आपने जो इसमें अपडेट करके खुद अपने साइड से डाली है सो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी और यहाँ पे जब आप लाइट क्रिएट करते हो तो लाइट एक सॉफ्ट वे में होती है तो सॉफ्टनेस पे ज़रूर ध्यान दें आप नेक्स्ट है स्काई टी वर्ल्ड ने बहुत ही प्यारा कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है मतलब यहाँ पे जैसे uh, करण आचार्य शायद करते हैं वो बहुत ही अच्छी एडिट करते हैं ये सब तो भाई ने उस टाइप में एडिट कर रखा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जान के खुशी हुई कि कोई ऐसी एंट्री भी कंपटीशन में लेके आ रहा है सो so, ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और जैसे आपने हेयर स्ट्रॉ कर रखे हैं और यहाँ पे मोर पंख भी लगाया वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डनरी और यहाँ पे जैसे आपने कपड़े पहना रखे ये भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डनरी है और मार्वेलस वर्क भाई नेक्स्ट uh, है सोमेश एडिट और ये वाला कंसेप्ट इनका बहुत ही प्यारा लगा मुझे और अगर मैं कुछ कहूँ ब्लेंडिंग के नाम पे तो भाई ने बहुत अच्छे से ब्लेंड क्रिएट कर रखा है और थ्रू आउट मुझे बहुत ही प्यारा लगा आपने जो ब्लेंडिंग का कंसेप्ट कर रखा बस यहाँ पे थोड़ा होल टाइप आप दिखाते तो और अच्छा पड़ता क्योंकि यहाँ पॉप दिखाने से वो थोड़ा एक रियल फीलिंग हट गई है तो यहाँ थोड़ा ब्लैक रहेगा क्योंकि आपके अंदर है वो चीज़ ना कि लाइट के कॉन्टैक्ट में और ये बहुत ही प्यारा कन्सेप्ट है जो मैंने देखा है अभी नेक्स्ट है सुमन एडिटोग्राफी ब्रो आपने बहुत ही लेजिट वे में बहुत ही परफेक्ट वे में इसको कर रखा है और जो आपने कार्ड पकड़ के उस पर फायर लगाई है रियलिज्म बस इस पर थोड़ा आप पेंट और कर देते तो और रियलिज्म आ जाता लेकिन वो बर्ड बहुत किलिंग कर रहा है और जो आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करा है बिल्कुल सूट कर रहा है आपकी फोटोज के साथ तो परफेक्ट है यार ये फोटो नेक्स्ट है तनुज जे पी जी जे पी जी हाँ तो उन्होंने ये स्टॉक यूज़ कर रखा है और स्टॉक से ये क्रिएट कर रखा है मारवेलस वर्क भाई आपने बहुत ज़्यादा कटिंग कर रखी है बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ों पे आपने ध्यान दे रखा है इस फोटोज में अगर मैं किसी को डिटेल के बारे में भी बताऊं तो यहाँ पे आपने ध्यान दे रखा है कि जो सन आ रहा है वो जो ट्री है उसको पेनिट्रेट करेगा और वहाँ से रिफ्लेक्शन इस कार के ऊपर आएगी और शेडो क्रिएट होगी सो ये बहुत ही अच्छे से आपने दिखा रखा है इस फोटो के अंदर हेड्स ऑफ बाई आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है नेक्स्ट रेट एप फॉर एडिट ब्रो न्यून बहुत ही अच्छा आपने दिखा रखा है और ग्लैमर भी बिखेर दिया है फ़ोटो में ग्लैमर ग्लैमर बहुत ही अच्छा लगा मुझे और ये बैकग्राउंड भी शायद मैं किसी फोटो में यूज़ कर रहा था लेकिन करा नहीं था मैंने लेकिन आपने यूज़ कर रखा है भाई और परफेक्ट वे है ये बिल्कुल कोई कमी नहीं लग रही है मुझे इस चीज़ में और जो आपने नीचे शेडो वेडो क्रिएट कर रखे वो भी बहुत अच्छी है बिल्कुल लिटिल सी शेडो है लेकिन वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है फोटो के साथ सो परफेक्ट ब्लेंडिंग और परफेक्ट इमेज का आपने यहाँ शो कर रखा है और जो इंस्टाग्राम से लाइट आ रही है वो भी आपने स्केटबोर्ड हैंड और पैर पे बहुत अच्छे से दिखाई है सो अच्छा लगा जान के कोई लाइट के लिए इतना सीरियस है नेक्स्ट है तेजस चौधरी लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई ने साइबर का कंसेप्ट मतलब साइबर रोबोट का कंसेप्ट यूज़ कर रखा है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे लेकिन थोड़ा डिटेल में होता तो ये और अच्छा लगता मुझे लाइक ये आपने स्क्रीन या कम क्वालिटी में सेव कर रखा है इसलिए मुझे इतने अच्छे डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं लैपटॉप पर सो so, ट्राई करें आप हाई क्वालिटी इमेज भेजें तब मैं कुछ बता पाऊँगा फोटोज़ के हिसाब से कि आपने कैसा क्रिएट कर रखा है लेकिन मुझे ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा ये वाला सो यहाँ रैपअप करते हैं ई सी सेवन के लिए और पी सी एट की जरूर डेट जल्दी से अनाउंस हो जाएगी सो so, आप ज़रूर चेकआउट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक like करना बहुत मेहनत करी थी इस पी सी के लिए और प्लीज़ कमेंट डाउन करना अगर आप कहीं भी ऑफेंडेड हुए हो या किसी को बुरा लगा हो किसी चीज़ के लिए तो उसके लिए सॉरी और चैनल को यार सपोर्ट करें थैंक यू गाइस हैव अ नाइस डे ऑल्सो